हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, वो भी ग्रेजुएट लेवल की, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी। अब ये ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, किस जून से आपको फॉर्म भरना चाहिए और आपको तैयारी कहाँ से करनी है। आप ये सोचेंगे कि पार्टिकुलर हर एक एग्ज़ाम के अलग अलग तैयारी अभी तक आप करते आए होंगे। आप परेशान होंगे कि सर मैं इसके बाद कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, सर मैं इस रेलवे की जॉब की तैयारी कर रहा था, ये सिलेबस था। देखिए, आपको एकदम सटीक चीज़ बताऊंगा जो हर चीज़ में काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम देंगे एक्स वाई जेड, सब में वो चीज़ें काम आएंगी। वो क्या है मैं आपको शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के बारे में, जिसमें जो सीटें टोटल हैं आपको 8000 से भी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, 8000 से भी ज़्यादा सीटें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जानकारी आप जानना चाहेंगे। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी आई, जैसे स्टेशन मास्टर की पोस्ट हुआ, टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट हुआ, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सीनियर क्लर्क की पोस्ट हुआ, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट हुआ, ये सारी जो पोस्ट हैं जिसमें आई है वैकेंसियाँ, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक करके। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट्स हो वैकेंसी से रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड और भी वैकेंसियाँ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके हमसे पूछिएगा। अगर वैकेंसी होगी कोई और तो अपडेट कर दिया जाएगा, आपके एरिया में वैकेंसी होगी तो भी। अब ये देखिए सारी चीज़ें आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि इनका जो प्रॉस्पेक्टस जिसको ब्राउज़र बोलते हैं, पीडीएफ काफ़ी लंबा है। एक एक करके मैं आपको डिटेल दूंगा जो आपके हित का होगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन जो काम की वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनेगा, फॉर्म स्टार्टिंग डेट कब से वो जान लीजिए। देखिए जो फॉर्म आपका पब्लिश हुआ था आरआरबी की वेबसाइट पर, वो 13 तारीख को फॉर्म आ गया था, 13 सितम्बर को। अब 14 सितम्बर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब फॉर्म की लास्ट डेट 13 अक्टूबर तक है, 13 अक्टूबर के शाम के 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, शाम के 12 बजे तक फॉर्म को भर दिया जाएगा। उसके बाद जो फ़ी पे करने की डेट है उसको भी थोड़ा बढ़ा कर रखा गया। मान लें फॉर्म आपने भर दिया 13 तक लेकिन फ़ी आपको नहीं पता है, तो आपको 14 से 15 के बीच आप, ठीक है, भर सकते हैं। अगर फॉर्म में मान लें कोई गलती होगी आपसे, फॉर्म मान लें कास्ट में कुछ चेंजेस हो गया या फिर नाम में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, बाई द वे बाई मिस्टेक हो गया हो अपडेट करना, तो आप यहाँ कर सकते हैं, 16 से 25 के बीच आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनेगा, कौन कौन सी पोस्ट है, ध्यान सुनेगा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इतनी सारी पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। अब कौन कौन से जोन में कितनी सीटें हैं ये आपको बताना बहुत आवश्यक है। उससे पहले आपको बता दूँ, ध्यान सुनिएगा, इसकी पेमेंट भी आपको मैं बताता चलूँगा, क्योंकि पेमेंट पता होगी तभी आप थोड़ा रिलैक्स होंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बोला गया है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और साथ में ये भी बोला गया है मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मिनिमम तो मैक्सिमम। देखिए 18 से 36 साल के बीच अगर आप हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर मान लें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हों जिनका एज 36 से ऊपर निकल चुका है, तो उनको एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया, उसको भी देखिएगा। क्योंकि एज अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक। अब आइए देखिए यहाँ पर, अगर आप आपका टिकट सुपरवाइज़र के पद पर सिलेक्शन होता है तो पेमेंट्स कितना मिलेगा, बेसिक पे क्या है आपका, 35,400 रुपया बेसिक पे है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। अभी मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता क्या है ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ मेडिकल पता होनी चाहिए। अगर इस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते हैं तो ही फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज़ आपका समय पैसा सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार समय चला गया तो फिर मतलब ही नहीं है, ठीक है। 18 से 33 साल बोला गया है, टोटल पोस्ट 1736 है। स्टेशन मास्टर की मैं बात करूं तो पेमेंट्स इसकी भी सेम हुई, और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब इसमें भी बोला गया एज तो 1833 है लेकिन 994 पोस्ट है। अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात किया जाए तो 29,200 आप इनिशियल पे है, 3,144 पोस्ट है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात किया 1507 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात किया 732 है। टोटल पोस्ट होंगे यहाँ पर 8,113 है जोन वाइज है, जिसके बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं।
हाँ, रह गई बात आप खुद चेक करना चाहते हैं कि इस जून में फॉर्म को भरना है कैसे, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, इस चैनल का टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर आपको फेसबुक की लिंक, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक और यहाँ तक कि व्हाट्सएप की लिंक भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ताकि आपका कोई डाउट ऐसा हो जो आपको लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा, तो हमसे बात करके भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए, मैंने बता दिया फॉर्म की लास्ट रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर। अब ये चीज़ें तो आप समझ गए सारी चीज़ें, भाई फॉर्म को कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है, सब कुछ ऑनलाइन मोड में होगा। और ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप परेशान होंगे। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में परेशान मत होइएगा, उसको भी मैं एक एक करके लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं मेडिकल स्टैंडर्ड को बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी फॉर्म भर रहे होंगे, अगर फॉर्म तो भरने को भर देते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि मेडिकल स्टैंडर्ड होता क्या है। इसी के बिहाफ पर ही आप फॉर्म को भर कीजिए, ठीक है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ A2 की, तो फिजिकल फिटिंग ऑल रिस्पेक्ट, जैसे डिस्टेंस विजन होगा 6x9 होना चाहिए, 6x9 विदाउट ग्लास, नो फॉगिंग टेस्ट, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए आपके पास प्रॉब्लम, बाइनोकुलर्स विजन, नाइट विजन, माइपोपिया विजन, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। फिर B2 में भी मैंने बोला ना, B2 वाला देखिए, B2 में क्या था, डिस्टेंस ऑफ विजन होना चाहिए 6x9 6x12, ये सारी चीज़ें हैं, यही मेडिकल स्टैंडर्ड है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, चीज़ समझ गए, मुझे नहीं लगता आपको ना समझ में आओ। देखिए, एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, 7 CPA की लेवल है, तो बोला गया है इससे अर्लियर नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, आप हमारा 2/1/1989 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC नॉन फेमिलियर हैं तो 2/1/1986 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, SC ST तो 1984 से ज़्यादा का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर लोअर मतलब 2007 से बाद का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये, अब एज रिलैक्सेशन तो आपको सामने दिख रहा है कि इसको कितना मिलेगा, OBC को कितना मिलेगा, क्रीमिलेयर को, नॉन क्रीमिलेयर को कितना मिलेगा। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको फ़ी के बारे में, क्योंकि जब भी आप फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि फ़ी कितना होगा। अभी रेलवे की वैकेंसी तो 500 रुपये आपको भरना होगा। देखिए, ये 500 में 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाएगा जब आप CBT 1 में अपीयर्ड होंगे, यानी आप पहला पेपर देंगे तो आपको 400 रुपये वापस होंगे। एक्चुअली में 400 होते नहीं है, कुछ उसमें चार्ज भी कटते हैं। ठीक है, समझ गए। अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर, इनको 250 रुपये और इनका 250 से 250 रुपये ही वापस होते हैं। ठीक, इनमें कोई बैंक चार्ज डिडक्ट नहीं होता, सारा पेमेंट ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कोई भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, सारे फॉर्म को भरना ऑनलाइन है, एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा। ये जो PDF है जिसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बताना, अगर मैं बताने लगूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए वही चीज़ बताएंगे जो आपके काम की है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करेंगे, आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। मान लें आपने फॉर्म को देख लिया, फॉर्म को फिल कर लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, अब आप जानना चाहेंगे कि अब फॉर्म तो भर दिए, अब हम तैयारी कैसे करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो बताइए। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब 90 मिनट्स में आपको जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का पूछा जाएगा, 40 नंबर का मैथमेटिक्स होगा और 30 नंबर का रीजनिंग होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट्स का, 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 100 में से आपके कितने आएँ ताकि आप इस Level 1 क्वालिफाई कर सकें। देखिए, Stage 1 क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने बोला है कि इतने परसेंट होने चाहिए। ठीक है, देखिए ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में, देखिए या कुछ लिखा भी है वहाँ पर। एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पर, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, और यहाँ बोला निगेटिव मार्किंग होगी 1/3, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो देखिए ध्यान से, जैसे मैथमेटिक्स की बात करूँ, नंबर सिस्टम, देखिए भाई नंबर सिस्टम तो हर जगह पूछा जाता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात किया जाए, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में सब चीज़ें आती है, साइंस आता है, हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इंटरनेशनल, नेशनल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप 100 नंबर का है, 100 नंबर में कम से कम आपको 40% लाना होगा मिनिमम, 40% इन्होंने क्राइटेरिया अपनी तरफ से रखा है क्वालिफाई का, Stage 1 का। ठीक है, तो 40 मतलब 100 में 40 मतलब 40 नंबर आपके होने चाहिए जनरल के लिए। आप जनरल ही मान के चलिएगा, आप अपने आप को OBC SC ST कैटेगरी के भी हैं तो भी आप अब जनरल क्राइटेरिया मान के चलेंगे, तब जाके आप SC वाला कैटेगरी पार कर पाएंगे।
समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? जब आप एक हायर लेवल में चलेंगे तो नीचे वाली चीज़ें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चला जाता है, कभी भी आप प्रिपरेशन करिए या कुछ भी करिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेना पड़ेगा। ठीक, अब सीबीटी टू की बात किया जाए, देखिए पहले में क्या होगा, 15 गुना लिया जाएगा दूसरे में। ठीक है, पहले सीट का 15 गुना मान लेते हैं, सीट मान लेते हैं सीट 8000 है, 15 गुना 15 बटे 120। ठीक है, 1,20,000 को किया जाएगा क्या, सेकेंड स्टेज में लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये बढ़ा भी सीट बढ़ा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना ही लें, लेकिन 15 टाइम्स लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड विल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ पोस्ट, हर पोस्ट वाइज में। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, यहाँ भी 90 मिनट्स का होगा, यहाँ भी 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम उतना मिलेगा लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, यानी आपको 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस होगा, 35 नंबर का मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग का 35 नंबर। ठीक, अब ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने दिख रहा है, अगर इसके बाद निकालने के बाद उसके बाद जाके आपका कहीं स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट होगा, नहीं तो डायरेक्ट आपका DB होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें उसके बाद जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें तो मैं बता दिया, अब आप बात आती है मालूम क्या, कि सर एक तैयारी कहाँ से करें। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे पहले आप इसका सिलेबस डाउनलोड करिएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस देखिए साइंस के कैंडिडेट हैं या ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, जैसा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले NCERT पढ़िए, NCERT में आप सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे, बायो, क्योंकि बायोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, उसके बाद आपको फिजिक्स, ये 3 चीज़ें आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अब उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, हिस्ट्री में वही पढ़ना होगा मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आज के डेट में समझिए वरदान है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपको आती है, पढ़ लिए हैं, समझ जाइए आप का एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसके बाद GS GK की बात किया जाए, GS की बात किया जाए, तो GS में भाई आप कोई करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ लीजिए कंटिन्यू। देखिए करंट अफेयर आप सोचें कि एक महीना पढ़ के हो जाए तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा 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 करके पढ़ते रहेंगे तो सही है, नहीं तो आपकी कैपेसिटी है तो कोई बात नहीं भाई, एक महीना में भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तैयारी वही करिए ताकि जिससे आपका काम आए, ये एक बार पढ़िए हमेशा, कहने का मतलब आप पढ़ते जाइए, बाहर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तैयारी करते रहेंगे तो कहीं के नहीं हो पाएंगे, आप अच्छे से एक बार अच्छे चीज़ें से पढ़िए, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएँ। ठीक है ना, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ेंगे, चाहे UPSC पढ़िए, चाहे ग्रुप सी का पढ़िए, चाहे ग्रुप डी का पढ़िए, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें NCERT बहुत बेसिक है और बहुत स्टैंडर्ड है और इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, तो उसको पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% श्योर है। मेहनत आपको करनी है, जितना शिद्दत से आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे ना, वो चीज़ें अपने आप आपके पास चली आएगी। कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से मेहनत करिए कि पूरी कायनात आपको चीज़ देने के लिए एकदम ललायत हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।